फ्रेंड्स, मैं मयूर दिस साइड आज मैं वीडियो लेके आई हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने स्टार्टअप कर दिया है, लेकिन स्टार्टअप के साथ साथ अभी जो वर्ल्ड है वो डिजिटल इरा के साइड जा रहा है, यानी हर चीज़ डिजिटली जा रही है। पेमेंट से लेके जो भी हमारे करेंसी से सब कुछ जा रहा है। अब तो जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री भी आ गई है, तो हर चीज़ डिजिटली जा रही है। तो जो एंटरप्रीनियर्स है उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है डिजिटली उनके बिजनेस को लेके जाने के लिए, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग से लेके काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो डिजिटली ट्रांसफर हो रही है या फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो आज के वीडियो में मैं हमारी कंपनीज किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करती है और हम लोग किन तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर इनमें से कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं तीन पार्ट में वीडियो कर रही हूँ। सबसे पहला पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि आप एंटरप्रेन्योर हो लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग हम हमारे क्लाइंट्स के लिए और हमारी कंपनी के लिए किस तरह से करते हैं, तो उनकी हम पूरी स्ट्रैटेजी किस तरह से करते हैं वो मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम लोग क्या करता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, तो हम पहले रिक्वायरमेंट को पूरे समझते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी इंडस्ट्री की है, उसको पूरा बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किन लोगों के पास ये हमारा जो एडवर्टाइजिंग मीडियम है या जो भी हमारा कॉन्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनको किस तरह से पहुँचाए। तो सबसे पहले हम करते हैं रिक्वायरमेंट को पूरा एनालिसिस करना। उसके बाद हम कर रहे हैं सेकेंड फेज में कंपेटिटर एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च, कि हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हमारे कंपेटिटर्स क्या करते हैं, ऑडियंस को क्या चाहिए, किस तरह से ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे इजीली आती है, उनके लिए कौन से कीवर्ड्स इजीली सर्च में आते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है उन तक इजीली हम पहुंचा पाए। तो सेकेंड फेज हमारा ये रहा। थर्ड फेज में हम लोग करते हैं प्लानिंग कि ये पूरा का पूरा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है हम उसको किस तरह से उसका प्लानिंग करें और उसको वन बाय वन कैसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि इट्स अ नॉट अ वन टाइम वन डे टास्क कि हमने ये कर दिया और एग्जीक्यूट हो गई स्ट्रेटेजी और हमारी डिजिटल जो पूरा हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उसका हम प्लानिंग करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के किस पे कौन सी पोस्ट जाएगी, कौन सा कंटेंट जाएगा, किस तरह से पोस्ट को हम पहुंचाएंगे, इसका मीडियम कैसा रहेगा, कौन से माध्यम से हम जाने वाले, वो हर एक चीज़ हम प्लानिंग करते हैं बैठ के। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी ऐसे बनती है कि उनको फर्स्ट लैब में क्या डालना है, सेकेंड लैब में क्या डालना है, उन तक कौन कौन सी डिटेल पहुंचानी है, कौन सी ऑडियंस के पास कितना कंटेंट जाना चाहिए, किस फॉर्म में जाना चाहिए और प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका पूरा वन बाय वन प्रॉपर वे के अंदर प्लानिंग बनता है। उसके बाद हम बनाते हैं पूरी फनल कि अगर फेज वन में इनके पास इतना गए तो क्लाइंट हमारे पास आ गए, उसके बाद वही क्लाइंट हमारा जो क्राउड था टारगेट ऑडियंस हमारे पास आ गए, उसके बाद सेकेंड फेज के अंदर हम वो फर्स्ट फेज वाली क्लाइंट ऑडियंस को हम कैसे सेकेंड फेज में लाए, सेकेंड फेज का पूरा लेयर कंप्लीट होने के बाद हमको थर्ड में कैसे लाए, फोर्थ में कैसे लाए और हमारा जो सेल्स है वो वहाँ पे वो पूरा कन्वर्ट हो जाए और वही फनल हम नेक्स्ट टाइम उसी फेज में कैसे रन करें, वो पूरी फनल हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारा एक्शन प्लान होता है। सो एक्शन प्लान में हम लोग क्या करते हैं, एक्शन प्लान में सबसे पहले हम क्रिएटिव्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियोस एंड ग्राफिक्स और एनिमेशन फॉर्म में, चारों फॉर्म में हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम करते ही ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में हम अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और आप हमारे साथ एंड तक ये वीडियो में जुड़े रहना ताकि मैं आपको एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ जो आपके लिए और भी इजी काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग करते हैं, जो भी कंटेंट हमने बनाया है हर एक प्लेटफॉर्म का कंटेंट उनके ऊपर ऐड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म की एक स्पेशलिटीज़ होती है कि जहाँ पे आप वीडियोस डाल सकते हो, जहाँ पे आप कंटेंट डाल सकते हो, जहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हो, जहाँ पे आप ऑडियो डाल सकते हो। उसके बाद हम करते हैं उनका ऑटोमाइजेशन कि जहाँ जहाँ जो जो प्लेटफॉर्म पे जितना भी कंटेंट हमने डाला है वो कंटेंट
के ऊपर कोई भी इंक्वायरी जनरेट होती है, मैसेज कुछ भी आता है, तो उनको तुरंत कॉल ऑन एक्शन जो बोलते हैं हमारे साइड से कैसे उनको पहुंच जाए, इस तरह से हम पूरा उसको ऑटोमाइजेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल को लेके। उसके बाद हमारा चलता है ब्लॉग पोस्टिंग, अलग अलग जगह पे वेबसाइट से लेके अलग अलग वेबसाइट पे जाके या खुद की क्लाइंट की वेबसाइट, हमारी वेबसाइट, हर जगह पे हम ब्लॉग लिखते हैं ताकि उनके अंदर से कीवर्ड है या ब्लॉग की क्या काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो पर्टिकुलर ऑडियंस तक हम पहुँचा पाए। और उसके साथ हम लास्ट में उसका एनालिटिक्स करते हैं कि हमने जितना भी टास्क किया किस तरह से कितनी ऑडियंस पे क्या रीच आई है, किस तरह से हमारा कॉन्टेंट आगे बढ़ रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म का इनपुट्स कितना है, हम लोग क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा एनालिटिक्स देखते हैं। सो एंटायर स्ट्रेटेजी हम इस तरह से बनाते हैं। तो इसके अंदर हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का हम इनिशियल फेज क्या होता है और उसके बाद हमारा एक्शन प्लान क्या होता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। आज की टिप्स मैं ऐसे देने वाली हूँ कि पैबली करके एक टूल है और मेलचिम करके एक टूल है, अगर आप कोई भी एड रन कर रहे हो फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उसके लिए आप क्रिएटर स्टूडियो यूज़ करो जिसके साथ आप उनको ईमेल मार्केटिंग करते हो, या फिर पैबली टूल को लेके पूरा ऑटोमाइजेशन करोगे कि आपके पास फेसबुक की एड रन करने के साथ जो भी रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स को आप ऑटोमेटिकली उन तक उनके नेक्स्ट लीड कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है वो आपका ऑटोमेशन कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना ताकि हम ये पैबली और मेलचिम का ऑटोमेशन का वीडियोज़ आपको बताएं। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक मैं हूं मयूरी, साइनिंग।